नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपनी ऑल स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर लेबर इंस्पेक्टर का पार्ट थ्री। फर्स्ट के दो पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। ये पेपर हुआ है 3 जनवरी 2021 को। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है ये पार्ट थ्री में। फर्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता को दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है प्रभावित व्यक्ति को ताज़ा ऑक्सीजन में ले जाकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ीरोफ्थाल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वयस्क में सामान्य रक्त आयतन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 5 लीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन के स्रावण को संदर्भित करने वाली औषधि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है डाययूरेटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में एक मोटे शर्ट की अपेक्षा दो पतले शर्ट गर्म क्यों रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायु की परत दो शर्ट के बीच ऊष्मारोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष इसके कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के दिनों में ध्वनि लंबी दूरी तक सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि नम वायु में तेज चलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका गलनांक अति उच्च है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है जल, वाटर। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघात अवशोषक प्रायः स्टील के बने होते हैं क्योंकि इसमें उच्च प्रत्यास्था होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर 0.57%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है लाहौल स्पीति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि सिंगोर दर्रा और इंद्राहर दर्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनानी ठंडे पानी का सोता हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। तो ये है कांगड़ा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामी घाटी हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बिलासपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टिंगो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है कुल्लू में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी। तो इसका राइट आंसर है कामरू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भागत राज्य का अंतिम शासक था। तो इसका राइट आंसर है दुर्गा सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर का पुराना नाम था। तो बिलासपुर का पुराना नाम था बियासपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधार पर्वत को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है मौलक पर्वत के नाम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक है। तो इसका राइट आंसर है हडिम्बा देवी मंदिर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई नारा हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन के दौरान दिया गया। तो इसका राइट आंसर है पझौता आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जनवरी 26, 1948 को हिमाचल प्रदेश में अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की। तो इसका राइट आंसर है शिवानंद रामौल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्रिकेटर ने 1017 मिनट के लिए बैटिंग क्रीज पर रुककर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर है राजीव नायर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमीरपुर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में धौला स्थित जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है SJVNL, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है 1999 2000 के बीच में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांड और शाबू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के नृत्य है? तो ये है लाहौल स्पीति जिले के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है केलोंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश की किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमीरपुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कोंकणी संबंधित है गोवा से, उसी प्रकार डोंगरी संबंधित है? तो डोंगरी संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से, तो इसकी मैं आंसर बताऊंगी, तो इसका राइट आंसर है, चलो क्वेश्चन भी पढ़ लेती हूँ। यदि शब्द COMMUNICATION में पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदले जाते हैं और तीसरा और चौथा अक्षर पांचवा और छठवां अक्षर भी इसी प्रकार आगे, आपकी दाएं से गणना करने पर दसवां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी N। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड में DICKINSON को 357950210 के रूप में लिखा जाता है और DIPB को 3566 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड में PICNIC को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 657057 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये श्रृंखला है और प्रश्नवाचक स्थान पे आएगा 81, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमन अंकों के सेट में कितने छः हैं जिनके पीछे 9 तथा आगे भी 9 है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए पिता है डी का, ई दादा है डी का, बी पुत्रवधु है सी की, एफ चाचा है डी का, सी का एफ के साथ क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ जमा, Q का अर्थ गुना, R का अर्थ भाग और S का अर्थ घटाना है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश अपने घर से प्रस्थान करता है, वो उत्तर पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में, आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी घर की ओर मुड़ता है, राकेश किस दिशा में जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में भारत का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, 2012 में यह दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बुधवार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं, डी ई के दाएं हैं, बी ई के बाएं हैं, लेकिन ए के दाएं हैं, बी सी के बाएं हैं, जो सबसे दाएं खड़ा है वह कौन मध्य में खड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल वैन धनवंतरी रथ प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हाल ही में भारत में इट्स बिटवीन यू अभियान प्रारंभ किया है?
तो इसका राइट आंसर है व्हाट्सएप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान नीमू जो हाल ही में समाचारों में था, किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है सिंधु नदी के तट पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिप्ड एयर स्ट्रिक एंड इलुवियस प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी की प्रजातियां हैं? तो इसका राइट आंसर है तितलियों की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में संवैधानिक संशोधनों के लिए मतदान किया है जिसने इसकी राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है रूस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर है यूनेस्को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा लाए गए टैक्सीबल फ्लोटिंग रेट सर्विसिंग बॉन्ड्स 2020 की अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में अपने मुख्यालय को किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर पुनर्नामित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है मेरी डब्ल्यू जैक्सन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी फिल्म बाजार में भारतीय प्ले पवेलियन संयुक्त रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और किस भारतीय संगठन द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी FICCA, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ ग्रूसम इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्राइटफुली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ अमनेस्टी इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पनिशमेंट। नेक्स्ट है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी INDIGENOUS, इंडिजेंस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ चाइल्ड हु सीज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी गुड रीजन इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्रंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू सेट द पीपल बाय ईयर्स इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन से क्वेश्चन नंबर 156 टू 160, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी टू फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है, ही डज नॉट लाइक ब्लैंक मैटर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माई डूइंग, ही डज नॉट लाइक माई डूइंग बेटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इट इज़ बेटर टू सेंड ब्लैंक द डॉक्टर, तो इसका राइट आंसर है फॉर द डॉक्टर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट वेट अंटिल द एनविजिल्टर और ब्लैंक द क्वेश्चन पेपर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गिव्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिसाइडेड टू ब्लैंक हिज ऑफिस बिफोर लीविंग द कंट्री, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेंट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड ब्लैंक आई कुड व्हिच वाजंट मच, तो इसका राइट आंसर है व्हाट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द है इनमें से निष्फल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पावक का संधि विच्छेद है, पावक का संधि विच्छेद है पौ जमा अक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चाक का तत्सम है, तो चाक का तत्सम है चक्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत का स्त्रीलिंग है, तो सूत का स्त्रीलिंग है सूता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नारी का बहुवचन है, तो नारी का बहुवचन है नारियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कर्महीन में समास है, तो कर्महीन में समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुरु की भाववाचक संज्ञा है गौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण का विशेषण है, तो गुण का विशेषण है गुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधान में उपसर्ग है, तो सावधान में उपसर्ग है स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम का पर्यायवाची है, तो हिम का पर्यायवाची है तुषार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।